हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जैसा कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग गन और बुलेट सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है पी इक्वल टू एम वी, यानी किसी बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, जिसके पास अगर वी वेलोसिटी है और अगर उसका मास है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है पी इक्वल टू एम वी। यानी इसी को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी कोलिजन के दौरान या फिर जब कोई बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करता है, तो किस तरह से किसी बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक गन और बुलेट सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं, जिससे हम लोग को मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक गन कंसीडर करते हैं जिसमें कुछ बुलेट्स हैं। तो जब तक इस गन से कोई बुलेट को फायर नहीं किया जाता है, तब तक गन और बुलेट जो है दोनों रेस्ट पर होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू पी बी आई, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू पी बी आई, इसको हमने कंसीडर कर लिया। और हम लोग जब इनिशियल स्टेट की बात करेंगे, तो उस समय बुलेट जो है इनिशियली रेस्ट पर रहता है, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा ज़ीरो, यानी पी बी आई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसी तरह हम लोग मान सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू पी जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से पी बी आई और पी जी आई दोनों ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों जो है गन और बुलेट दोनों ही इनिशियली रेस्ट पर रहता है, यानी इनिशियली यानी शुरुआत में दोनों के पास वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो रहा है। और मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी इक्वल टू एम वी। तो जब गन या बुलेट का वेलोसिटी जीरो हो गया, तो उस केस में मोमेंटम जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम पी बी आई ऑफ बुलेट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसा कि हमने गन और बुलेट को एक सिस्टम माना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम यानी पी बी आई प्लस पी जी आई इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों मोमेंटम पी बी आई एंड पी जी आई दोनों ज़ीरो हो रहे हैं, इसीलिए दोनों का समेशन भी ज़ीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ज़ीरो हो गया। अब हम लोग उस केस की बात करेंगे जब इस गन से बुलेट को फायर किया जाता है। तो जब इस गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो इस बुलेट पर एक फोर्स लगता है, जिससे ये बुलेट मोशन में आ जाता है, यानी इस बुलेट के पास एक वेलोसिटी भी आ जाता है, और मान लेते हैं कि ये वी वन हो गया। यानी जब इस गन से बुलेट को फायर किया गया, तो ये बुलेट वी वन वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगी, तो इस बुलेट के पास एक वेलोसिटी आ गया और वो हो गया वी वन। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा पी बी एफ इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वी वन। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, जैसे इस गन ने इस बुलेट पर फोर्स लगाया, तो ये बुलेट भी इस गन पर एक फोर्स लगाएगा, यानी गन भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी हो गया वी टू, और इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन माने, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस वी टू वेक्टर। तो ये जो वेलोसिटी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी। और उस केस में इस गन का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा पी फाइनल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट वो हो जाएगा पी बी एफ।
और इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ गन हो जाएगा पी जी एफ, और पी जी एफ का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इंटू वी वन, और इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ गन हो जाएगा मास ऑफ गन इंटू वी टू माइनस वी टू। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। इस तरह से हमने यहाँ से पता किया कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट और फाइनल मोमेंटम ऑफ गन क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम निकालना चाहे तो दोनों के मोमेंटम को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फाइनल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। तो इस तरह से हमने पहले देखा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो हो रहा है, यानी पी बी आई प्लस पी जी आई इक्वल टू जीरो, एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो हो गया पी बी एफ, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। अब अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी पी बी एफ माइनस पी बी आई फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। इसी तरह हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, और हम लोग जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है वो जीरो हो रहा था, और इसी तरह तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाले डी डेल्टा पी बी इसके टू हो जाएगा पी बी एफ, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन हो गया पी जी एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इसके टू पी बी एफ, और ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन हो गया पी जी एफ, और हम लोग जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स होता है, जो हमने पिछले वीडियो पर डिस्कस कर रखे हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एच मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में, बाकी जो वीडियोस हैं यानी पिछले की वीडियोस पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो बुलेट का जो मोमेंटम में चेंजिंग आया वो गन के फोर्स लगाने के कारण आया, यानी गन जब फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय के लिए गन बुलेट पर फोर्स लगा रहा है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से इम्पल्स हो जाएगा फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट बाय गन इंटू डेल्टा टी। मान लेते हैं कि कोई गन को जब चला रहा था तो वो डेल्टा टी टाइम के लिए उस पर फोर्स लगा रहा था, तो इम्पल्स बराबर हो गया फोर्स ऑन बुलेट बाय गन इंटू डेल्टा टी। और इस तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन बराबर हो जाएगा इम्पल्स, यानी इस और ये इस इम्पल्स का जो वैल्यू होगा वो होगा फोर्स ऑन गन बाय बुलेट इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ से दोनों का इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर इम्पल्स इक्वल टू फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन इनटू डेल्टा टी, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू इम्पल्स, और उस इम्पल्स का वैल्यू हो जाएगा फोर्स ऑन गन बाय बुलेट इनटू डेल्टा टी। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हम पर वापस उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा, यानी जब गन बुलेट पर फोर्स लगा रहा था तो वो बुलेट भी गन पर एक ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगा रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन गन बाय बुलेट, जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब अगर हम लोग सिस्टम का नेट मोमेंटम में कितना चेंज आया उसको अगर निकालने की कोशिश करें, या फिर अगर हम लोग उसको निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट चेंज इन मोमेंटम
तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ, नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा पी बी प्लस डेल्टा पी जी, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया PBF, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस, यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। तो इस तरह से नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम हो गया PBF प्लस PGF, और हम लोग PBF को लिख सकते हैं एफ बी जी डेल्टा टी प्लस PGF को हम लोग लिख सकते हैं एफ जी बी इंटू डेल्टा टी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग एफ बी जी को लिख सकते हैं माइनस एफ जी बी, यानी एफ बी जी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ जी बी इंटू डेल्टा टी प्लस एफ जी बी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा उसका वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि सेम इंस्टेंट पर गन बुलेट पर जितना फोर्स लगा रहा था बुलेट भी उसी इंस्टेंट पर उतना ही फोर्स गन पर लगा रही थी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी दोनों केस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, और दोनों इक्वल है, यानी दोनों का समेशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी पी बी एफ प्लस पी जी एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पी बी एफ प्लस पी जी एफ इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू जीरो। तो इनिशियली जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो हो रहा था और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी जीरो हो रहा है। तो इनिशियली गन और बुलेट सिस्टम का मोमेंटम जो था वो जीरो था, और बाद में भी यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम भी जीरो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गन बुलेट सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह रहा है, यानी इनिशियली अगर उसका मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी उस सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, यानी किसी सिस्टम पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो उस केस में सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सीखा कि किसी सिस्टम का मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है। तो इसको अगर हम लोग कोई सिस्टम माने और मान लेते हैं कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इस पर किसी तरह का फ्रिक्शन या फिर दूसरा कोई फोर्स है वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो इस सिस्टम के लिए अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा एम वन वी वन डैश, मान लेते हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी है इस बॉल का, और ये हो जाएगा एम टू वी टू डैश। तो इस तरह से हम लोग किसी सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लिख सकते हैं, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और वो हो गया एम एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, और वी वन और वी टू जो है वो दोनों बॉडीज का इनिशियल वेलोसिटी है, एंड वी वन डैश एंड वी टू डैश दोनों फाइनल वेलोसिटी है, यानी जब दोनों बॉल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, फिर जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तो वो फाइनल वेलोसिटीज हो गया। तो इस तरह से किसी सिस्टम के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। एंड अगर आप इस नए अगर एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे।